हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम एक न्यूज़ लेगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसी है कि दोस्तों आपका दिल करा हुआ यार, क्या बात है, क्या न्यूज़ बताई है। तो दोस्तों सुनिए इस न्यूज़ को। जैसे कि आप सोचते हो कि जैसा कि आप UPI का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट के लिए, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे और भी अदर बहुत सी मतलब ऐप हैं जो जिससे आप पेमेंट करते हो। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए यही बताने आया हूँ। तो दोस्तों अब आप ना जो भी आपका जैसे इन फोनों के साथ तो आप UPI पेमेंट कर सकते थे, पेटीएम वगैरह जो भी है यार वो कर सकते थे UPI के जरिए। लेकिन दोस्तों अब RBI ने एक और कदम उठाते हुए कहा है कि अब आप जो फीचर फ़ोन होता है, फीचर फ़ोन मतलब कि जो कीपैड फ़ोन होता है उसके अंदर जो फीचर, व्हाट्सअप चल सकती है, वो फेसबुक चल सकता है, उसके उस फोन के साथ भी आप UPI का यूज़ कर सकते हो। अब मतलब कभी भी कर सकते हो, आपका जब मन चाहे जब कर सकते हो। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि कब तक ये लॉन्च होगा, कब तक ये रिलीज किया जाएगा ये अपडेट को। तो दोस्तों इन्होंने RBI ने कहा है कि अब जल्दी ही UPI सिस्टम जो होगा हमारा फीचर फ़ोन, उसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हो। तो आप ना अब अपने जो फीचर फोन होता है कीपैड वाला, उसके ज़रिए आप किसी के पास रुपए भेज सकते हो, ले सकते हो, किसी को पेमेंट करनी हो उसको कर सकते हो, दुकानदार को पेमेंट करनी हो, शॉप पर किसी को पेमेंट करनी हो, या किसी यार दोस्त हो या आपका फ्रेंड हो उसको पेमेंट करनी हो, आप सब अब एक कीपैड मोबाइल के जरिए उस पेमेंट को आप कर सकते हो। जल्दी ही ये रिलीज होने वाला अपडेट। और दोस्तों RBI ने कहा जो भारत में 30 लाख ऐसे लोग हैं जो कीपैड फ़ोन यूज़ करते हैं, जो जिसके पास फीचर फ़ोन हैं, अब उनको ये सुविधा दी जाएगी कि वो अपने गूगल पे के या पेटीएम के जरिए जब भी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो वो अब वो पेमेंट कर सकते हैं। इससे अब आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको एक स्मार्टफोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो जियो का फ़ोन हो गया जो 1500-1600 रुपये का आ जाता है, 1800 का आ जाता है, उसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बनता है यार, इतनी अच्छी न्यूज़ बताइए तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बड़े हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।